अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग हेल्दी हैप्पी एंड फिट होंगे। तो ये है 21 नवंबर का वीडियो, संडे का, और मॉर्निंग का वक्त है। हम लोग कुर्ला में हैं जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और ये देखिए चाय बन रही है यहाँ पर, अम्मी ने दूध निकाले गर्म करने के लिए और चाय बनाने के लिए रखे। और यहाँ पर तजीन बना रही है मेदू वड़े, चाय हो चुकी है, चाय बिस्किट, और उसके बाद ये देखिए मेदू वड़े मस्त एकदम तजीन के हाथ के बहुत टेस्टी लगते हैं। अम्मी के जैसे ही बनाती है वो, इवन अम्मी से, अम्मी बोलते मेरे से भी अच्छे बनाती है। तो ये है चटनी सेंग की, सॉरी नारियल की और पुटानी की चटनी। और ये मलिका के लिए मेदू वड़े का आटा निकाल कर रखी क्योंकि उसको फीका लगता है, उसमें कुछ उसको ऐड करना नहीं होता। ये है पाव नाश्ते के लिए, और यहाँ पर नाश्ता स्टार्ट हो चुका है। मेदू वड़े गरम गरम फ्राई करके तजीन सबको दे रही है, और जो है सब गरम गरम खा रहे हैं बैठ कर लाइन से। और ये देखिए आपको बताती हूँ मैं, यहाँ पर कुर्ला की बैल्कनी से व्यू, हमारी तो बैल्कनी से आप लोग व्यू देखते ही हो, लेकिन कुर्ला की बैल्कनी से देखिए व्यू कितना अच्छा लगता है। और मौसम एकदम क्लियर था, और ये देखिए यहाँ पर ये एरोप्लेन उड़ रहा है। यहाँ पर जो है सामने एयरपोर्ट है, नज़दीक ही एयरपोर्ट है एक्चुअली। तो ये देखिए मैं आपको बता रही थी प्लेन जा रहा था, और प्लेन भी दिखता है यहाँ से। और यहाँ पर देखिए ट्रेन की जो है ट्रैक है यहीं पर है, स्टेशन के नज़दीक ही है। ये देखिए यहाँ पर ट्रैक जो है, ट्रेनें आती जाती रहती है। तो कुर्ला एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से आप वेस्टर्न भी जा सकते हो, और हार्बर लाइन भी ले सकते हो, सेंट्रल लाइन भी ले सकते हो। तो ये देखिए ये है लोकल ट्रेन्स जो कि है हमारी मुंबई की जान। और यहाँ पर नाश्ता हो चुका है, और यहाँ पर देखिए अम्मी झींगे साफ़ कर रहे हैं, झींगे क्लीन कर रहे हैं सब। और गफर झींगे लेकर आए थे, झींगा और जो है दाल चावल बनाई, तजीन दाल बनाई थी, पीली दाल और झींगा, झींगे की चटनी बनाई थी तजीन ने। तो ये अम्मी इसको झींगे क्लीन करके दे रहे हैं, ये देखिए। और दिन भर बहुत ही गर्मी थी दिन के वक्त में, तो धूप भी बहुत थी और गर्म भी बहुत हो रहा था। लोकल ट्रेन जा रही है, और वहाँ पर है एयरपोर्ट, वो दिख रहा है ना, वो जो दिख रहा है ना वो एयरपोर्ट है। तो अभी खाना हो चुका है हम लोग का, और आप लोग देख सकते हो धूप एकदम गायब हो चुकी है, और धीरे धीरे जो है क्लाइमेट चेंज होने लगा है, और बादल छा रहे हैं, और फिर बाद में फिर बारिश स्टार्ट हो चुकी थी बहुत ज़ोर से। ए बर्थडे गर्ल, क्या तुम्हारा क्या पहनने का इरादा है अभी? हाँ तुमने नाश्ता भी नहीं किया अभी तक। ए तबस्सुम, तुम लगाएंगे? हाँ मेरे को आती है। अच्छा ए वॉल्यूम कम करो ना टीवी का। मैं लगाऊं चुच्चुमा बाजू में पानी नहीं आएगा, मेरे बिजू अम्मा पानी नहीं आएगा ना, ज्यादा ही क्वेट हो गया सब कर देती अम्मा, तुम फैला डालेंगे। और ये देखिए यहाँ पर तबस्सुम की जो है मस्तियाँ पूरा दिन चालू रहती है, और उसके जो शरारत है। और ये देखिए किस तरीके से नेल पेंट अपने खुद से लगा रही है, किसी को नहीं लगाने देती है अपने खुद से, और यानी कि उससे जिद भी नहीं कर सकती, फिर रोना चालू कर देती तो अच्छा नहीं लगता है ना, छोटी बच्ची है रोएंगी। तो ये अपने खुद ही से नेल पेंट लगा रही थी यहाँ पर, और उसको फिर नहलाने का था अम्मी को, तो अम्मी उसको बोल रहे थे नहाने के लिए चलो करके। और बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बच्चों को देखकर जो है इंसान जो है एकदम अपना माइंड फ्रेश हो जाता है, और सारा जो है टेंशन दूर हो जाता है बच्चों को देखकर, उनकी बातें सुनकर। तो इसी तरीके से पूरा दिन वो लगी रहती है, और मेकअप भी अपने हाथों से चाहिए उसको करने के लिए, अपना खुद का मेकअप वो करेंगे अपने हाथों से। सुकून से लगाने ही नहीं देते मेरी बच्ची को नेल पेंट तुम लोग। वो सिर्फ उसके मम्मा की और डैडी की बोलते, किसी की नहीं है।
ये देखो मेरे को भी लगाई इसने। नहीं खुद लगाया। नहीं ये मेरे को ना किसने लगाया? मैं? नहीं 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 देखो मेरी जैसी थी मैं गंदी लगाऊंगी लगा दी गाइस। तो ये एकदम पागल बच्चा है, ये एकदम बेवकूफ है, ये पागल हद की है। सुबह से तो रूम में ऐसी जगह छुपाऊंगी ना, और ये देखिए झींगे की चटनी और पीली दाल चावल और चिकन फ्राई। चूँकि मैं और सुहान झींगा नहीं खाते ना, हम लोग तो इसके लिए चिकन फ्राई करे थे और पापड़ भी था साथ में, तो बस पेट भर के खाना खा लिए और थोड़ा आराम किए। हम लोग एक दो घंटा सो गए थे और फिर सब उठ चुके हैं। अभी बच्चे भी आ चुके हैं पार्टी के लिए। पार्टी ऐसे कोई सब बिग वो नहीं था, बिग सेलिब्रेशन नहीं था, बस थोड़ा सा केक वगैरह लाकर और बच्चों को जो है वेफर वगैरह खिलाकर पार्टी कर दिए थे। तो ये अभी पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए मलिका डांस कर रही है। तो थोड़े बच्चे आ गए थे, फिर 7:30 तक भी थोड़े बच्चे आ गए थे। ये देखिए अभी इन लोग का डांस स्टार्ट हो गया है और आप लोग भी इंजॉय करिए तबसुम का बर्थडे। हम लोग एक्चुअली शाम से ही रेडी हो गए थे क्योंकि फिर बर्थडे के बाद हम लोग को जाना था शादी में, वलीमा था। तो जो है लोग ने ये डिसाइड किए कि हम लोग ने रेडी हो जाएंगे तो बर्थडे भी हो जाएगा तबसुम का, फिर उसके बाद वैसे ही वलीमे के लिए निकल जाएंगे क्योंकि 10 बजे तक का लास्ट टाइमिंग था हॉल जो है हॉल का, हॉल था हॉल में था। तो इसके लिए हम लोग रेडी हो गए थे सबके सब, फिर उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट किए तबसुम का। और यहाँ पर आप देख सकते हो तबसुम जो है डांस कर रही है, उसके जो है रील्स भी मैंने बनाई हूँ पहले भी उसके डांस के, तो मेरे इंस्टा पे मैंने अपलोड करी हूँ, आप मेरे इंस्टा अकाउंट पर देख लेना जाकर। इंस्टा हैंडल पर मेरा इंस्टा हैंडल है rafia_beg। और ये देख सकते हो आप लोग अलीज़ा, मलिका और तबसुम, माशाल्लाह तीनों कितने प्यारे लग रहे हैं। और जो है अभी थोड़ा सा यानी कि बर्थडे सेलिब्रेशन में डांस वगैरह किए बच्चे, उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी हुई, उसके बाद केक वगैरह खाए, चिप्स वेफर और जो कुछ भी था वो सब खा कर, और फिर हम लोग का एक नाश्ता हो गया, उसके बाद में फिर हम लोग निकल गए थे। और ये एंजॉय कीजिए तबसुम का डांस, किस तरीके से डांस कर रही थी वो। और अभी केक कट करेंगे।
और अभी जो है केक कटिंग हो चुकी है और मैंने बाजी को बहुत मिस करी, बाजी को बहुत 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 मिस करी। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बोलती हूँ कि मैंने आपको बहुत मिस करी। और अमान, मुन्नू, अगर हम लोग साथ में होते तो और अच्छा होता, सब लोग साथ में होते तो। बट कोई नहीं, और कोई फिर सेलिब्रेशन करेंगे, इन्जॉय करेंगे साथ में। और एक्चुअली अब्बा भी थे हमारे साथ में, तो अब्बा वहीं पर रुक गए कुर्ला में। और ये देखिए यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह तब्बू कलेक्ट कर रही है और बच्चे लोग केक भी खिला रहे हैं उसको। सो या बस ये एक छोटा सा सेलिब्रेशन था जो कि घर में किए थे हम लोग ने। बारिश हो रही है यहाँ पर। और ये देखिए एज यूजुअल अम्मी जो है केक कट कर रहे हैं और मैं प्लेट्स लगा रही थी और सब में बांट रहे हैं तजीन और गफार भाई। तो ये देखिए सब बच्चे बैठे हैं, खा रहे हैं अपना अपना प्लेट्स, और अम्मी और मैं भी, हम लोग भी खाएंगे बैठकर और कुछ बात भी कर रहे थे हम लोग। एक्चुअली वो वीडियो चालू था ना सॉन्ग का, इसलिए मैंने म्यूट कर दी थी। देखो ये सब में बड़े बच्चे और इस तरीके से हमारा पूरा दिन जो है कुर्ला में बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड हुआ। और अब्बा कुर्ला में ही रुक गए अभी, और ये देख सकते हो आप लोग सब बैठे हैं, पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर सबका हो चुका है खाकर, और अभी थोड़े टाइम के बाद हम लोग सब लोग निकलेंगे। अभी कहाँ जाना है? हाँ। अभी शादी में जाना है। और ये देखिए यहाँ पर हो रहा है गर्ल्स का फोटो सेशन, ओनली फॉर गर्ल्स। पता नहीं अभी कितने बजे निकलेंगे, रेडी होते होते टाइम लगेगा। रेडी तो सब एक्चुअली है ही, बस रैप अप करके पार्टी जो है बच्चों को जो है भेज देंगे उनके घर पे। और यहाँ पर तबस्सुम जो है अपने गिफ्ट ओपन करने में लगी हुई है। क्यों तबस्सुम? हाँ बिजी है जरा। चलिए फिर मिलते हैं आपको शादी के फंक्शन में। 9 बजे का वक्त है और रात के 9 बजे है और तबस्सुम की बर्थडे पार्टी हो गई है और अभी हम लोग निकले हैं शादी के लिए जा रहे हैं। तो देखो कितनी बारिश हो रही है बम्बई में, अभी बहुत गर्मी है यहाँ पर, इसलिए दिन में गर्मी हो रही थी तो अभी रात में यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जोरों से बारिश हो रही है। अरे ये फोन मेरे पास है, चाइना सब तुम्हारे पास है, अदरक का भी है। हाँ
और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं शादी के हॉल में। सब लोग ऑलमोस्ट एक्चुअली हम लोग तो निकले थे कार में और उन लोग ऑटो में आए थे। तो यहाँ पर हम लोग हॉल में ही फंक्शन था, लेकिन जब गेट तक आते आते जो है ना कार से बहुत ज़ोर से बारिश हो रही तो भीग गए थे हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर से। और सुहान और उसके डैडी तो बहुत ज़्यादा ही भीग गए थे। ये देखिए यहाँ और ये देखिए यहाँ पर जो है दुल्हन अलग अलग तरीके के पोज दे रही है फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को, ताकि फिर उनका जो है फिर एल्बम वगैरह बनता है और वीडियो कैसेट बनती है। तो हम लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग डिनर के लिए। और ये लेडीज़ सेक्शन है, लेडीज़ सेक्शन और जेंट्स सेक्शन अलग था। तज़ीन मैं और अम्मी है यहाँ पर हम लोग साथ में। और ये देखिए, और उसके बाद जो है आ चुका है हमारी प्लेट्स। तो अभी हम लोग करेंगे डिनर, एंड द डिनर वॉज ए वेरी यम, बहुत ही टेस्टी था। और अब हम लोग निकल चुके हैं हमारे घर के लिए, खाना वगैरह हो चुका है। और रास्ते में हम लोग को बहुत बारिश मिली है, आप लोग देख सकते हो बिजली वगैरह चमक रही है और बहुत बारिश थी। पूरा रास्ता लंबा घर तक पूरी बहुत बारिश थी, लेकिन द डे वॉज वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा दिन गुजरा और बहुत रिलैक्सिंग था। सारे हफ्ते की थकन उतर गई हम लोग की बहुत अच्छा लगा कुर्ला जाकर और सबसे मिलकर और जायना तबसुम का बर्थडे सेलिब्रेट करके। यहाँ पर आए हैं तवेरा चाय पीने के लिए, आप लोग देख सकते हो। और ये हमारे एरिया के फेमस चाय की शॉप है, यहाँ पर जो है बहुत अच्छी चाय मिलती है, हम लोग ने सुने थे। और सुहान भी एक बार पहले पी चुका है, एक्चुअली वो कभी चाय नहीं पीता है, तो उसने यहाँ की जब चाय पी थी उसको बहुत अच्छा लगा था। तो उसने हम लोग से बोला था कि मम्मी डैडी तुम लोग ज़रूर पीना। तो हम लोग ऑन द वे आते हुए हम लोग को मिल गया शॉप, तो हम लोग रुक गए थे वहीं पर। अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ मैं, आप लोग भी आइए पी लीजिए, बहुत ही यम है। अगर कोई ये एरिया से है हमारे तो ज़रूर यहाँ पर आकर जो है तबेला चाय आप लोग इंजॉय करिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इतनी तेज़ बारिश और चाय जो है परफेक्ट एकदम कॉम्बिनेशन था, बहुत इंजॉय किए हम लोग ने चाय। मम्मी चाय एक नंबर चाय है। हम लोग आ गए कुर्ला से कल्याण तक और यहाँ पर हम लोग तबेला चाय पीने के लिए आए हैं। अम्मी का दिख रहा नहीं, बोलते देखो अम्मी को देखो, अरे हाथ आगा नहीं, वो कैमरा इधर है तुमको नहीं दिखेगा। हाँ तुम मत देखो, तुम इधर देखो, माशाल्लाह चाय एक नंबर चाय, मजा आ गई। बारिश गिर रही है, बारिश हो रही है और यहाँ पे गर्मी गर्मा गर्म हम लोग चाय पी रहे हैं कुल्लड़ में इस तरीके से। और ये देखिए, ये मैं अपनी मेरी चाय एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर। मिट्टी के बर्तन में चाय पी के एकदम मजा आ गया, एक नंबर चाय, बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी। इसको बोलते तबेला चाय, हमारे एरिया की फेमस, बहुत फेमस चाय। हम लोग आ गए कुर्ला से घर में, शादी में गए थे, शादी से आ गए, विक्रोली में शादी थी। और जैसा कि आपको बताया, रास्ते में हम लोग ने चाय पिए कुल्लड़ में और बहुत अच्छा लगा अम्मी को भी, तो अम्मी कुल्लड़ भी साथ में लेके आ गए, बोलते मैं इसी में चाय पीऊंगी। कितना मस्त लग रहा है कुल्लड़, कितना अच्छा है एकदम। मिट्टी के इसमें चाय पियेंगे सोंधी सोंधी खुशबू आती है। हाँ सुहान कभी चाय नहीं पीता, लेकिन उसे तो चाय पिया उसने फर्स्ट टाइम, उसको बहुत अच्छा लगा। नहीं इसमें रहता सोंदा गया। हाँ तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। चलो अल्लाह, लाइक करने में कंजूसी नहीं करना बेशक। चलो सब, अल्लाह हाफिज।